स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए वो बेहद ही दिलचस्प रहे, लेकिन उसकी कहानी अब खत्म हुई और अब सबकी नजरें टिकी हुई है आगामी नगरीय निकाय चुनाव पर। बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से इसे लेकर तैयारियां कर रही है। अब क्या रणनीति है बीजेपी की, क्या चल रही है प्लानिंग कांग्रेस की, ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। वैसे खबरों में ये भी बना हुआ है कि दोनों ही पार्टियां इस बार नए युवा चेहरों पर दाव खेलने वाली है। जो कुछ भी प्लानिंग चल रही है, चलिए वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही है, नए युवा चेहरों पर बातचीत चल रही है, विचार चल रहा है। कुल मिलाकर अगर हम तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, आप देख रहे हैं लगातार इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष विनय भाकीवाल जी रोज गांधी भवन में मीटिंग ले रहे हैं। लगातार ब्लॉक अध्यक्षों से, मंडलम अध्यक्षों से, शहर के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे एमएलए हैं, जो तीन विधायक हैं, और जितने भी शहर कांग्रेस के, हमारे प्रदेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता इंदौर में निवास करते हैं, सभी लोगों से चर्चा कर इस बात पे गौर किया जा रहा है कि इंदौर नगर निगम की जो भ्रष्टाचारी 15-20 साल इनको लगातार हो गए हैं, इन लोगों ने जो काम किए हैं इंदौर के अंदर, आप सबको दिखाया कि सफाई में हम नंबर वन आए। इसमें पूरी जनता का हमारे साथ था, पूरी जनता ने इसमें समर्थन किया और बहुत ही अच्छा हमारे इंदौर पंच भी मारेगा लगातार, लगता है मुझे शोके के साथ। तो जो आगामी नगर निगम चुनाव है उसमें जो नगर निगम के खिलाफ मुद्दे हैं उनको हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। और नए युवा जो बात कर रहे हैं टिकट की, तो नए युवाओं को 100% टिकट दिया जाएगा। जितने भी पुराने लोग हैं उनका मार्गदर्शन भी रहेगा। और कांग्रेस पूरी ताकत से जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में लड़ी है, 2018 की बात करें या उपचुनाव 28 चुनाव की बात करें, हमारी पार्टी पूरी एकजुट होकर ताकत से लड़ेगी। और इंदौर नगर निगम का महापौर भी हमारा बनेगा और इंदौर की परिषद जो है वो भी हमारी बनेगी। तय इसलिए है क्योंकि लगातार 20 साल इन लोगों को नगर निगम में हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के निगम। अब लोग परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि हम लोग रोज बाजार में जा रहे हैं तो हर आदमी नगर निगम की गुंडागर्दी से भी परेशान है। आपने देखा है लगातार मामले आते हैं इंदौर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा खुली गुंडागर्दी, और कई व्यापारियों से लेके सभी लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसको लेकर नगर निगम में इस बार परिवर्तन तय है और कांग्रेस की महापौर बनेगा और परिषद भी। जी शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए, धन्यवाद आपका। तो कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की प्लानिंग जो कुछ भी चल रही है वो हमने जान लिया। अब बीजेपी की बातें भी सुन लेते हैं। बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता गोविंद मालू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि उपचुनाव में तो विराट जीत हासिल कर ली, लेकिन अब जो निगम चुनाव आ रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव जो होने वाले हैं, उसे लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां चल रही है? अगर उम्मीदवारों की बात करें तो क्या बीजेपी से भी नए चेहरे सामने आने वाले हैं? क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? पहली बात तो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को उजागर नहीं करता है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव जीतना होता है, चुनाव हारना नहीं होता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए कभी अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी 24/7 संगठन की मजबूती के साथ उसके लगातार उसका अभ्यास, उसकी ओवरराइडिंग, उसका इन्हेंसमेंट, वो लगातार चलता रहता है। अभी अभ्यास वर्ग चल रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता हमेशा मुस्तैद और तैयार होता है और वो कभी भी किसी भी बात के लिए तैयार रहता है, इसलिए हमको अलग से तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ तक बाकी उम्मीदवारों का सवाल है कि आप ये पूछेंगे कि उसके बाद उम्मीदवार कैसे होंगे, क्या होंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार पर दाव भी लगाती है, उसको प्रोजेक्ट भी करती है, दूसरा नए लोगों को मौका देती है। लगातार हमने लोकसभा में भी नए लोगों को मौका दिया और जो पहले लड़ चुके हैं उनको पार्टी दूसरा संगठन का काम देती थी। तो लीडरशिप को तैयार करने का एक बड़ा हमारे पास ये संस्थागत अभियान भी है और अधिष्ठान भी है, इसलिए हम तैयार हैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। चुनाव को हम चुनौती मानते हैं, इसलिए अब आने वाले समय में इसकी
सारी प्रचार प्रसार, क्योंकि हमने विकास के काम किए हैं, हम विकास को लेकर चुनाव के मैदान में जाएंगे, सुशासन को लेकर जाएंगे, ये हमारी रणनीति है। जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी की अपनी प्लानिंग है, कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। एक तरफ बीजेपी जहां कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती। खैर, इस बार भी दिलचस्प मुकाबला सामने होने वाला है। जो कुछ भी होंगी अपडेट्स हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरें एमपी न्यूज पर लगातार जारी है। धन्यवाद।